इस संक्रमण में सहयोग दें, और उन्होंने कई जो उनके प्रवचन थे उन्होंने स्थगित भी कर दिया है, सरकार को उन्होंने सहयोग किया, इसके लिए भी आपके माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस तरीके के जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हम लोग के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हो या मस्जिदों का ट्रस्ट हो या गुरुद्वारा का ट्रस्ट हो या चर्च का ट्रस्ट हो या कोई भी ऐसे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हो, उनसे भी आपके माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि इसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत अहम है। आप लोग भी इस हमारे लड़ाई में सहयोग करें, और ताकि हम अपने राज्य को और राज्य में रहने वाले लोगों को इस संक्रमण से बचा सकें। सर, एक सवाल है सर, ये आपके वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया कि कल से उन लोग का जो है हाउस का एडजॉइन हो रहा है, बहुत सारा जगह पे एडजॉइन भी किया है, तो क्या यहाँ पे इसका कोई प्लान है आपका? देखिए, अभी तो हम लोगों ने हाउस एडजॉइन करने का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम लोगों ने जरूर अपने विधानसभा परिसर के अंदर जो विजिटर्स हैं इनको आने से तत्काल पाबंदी कर मतलब रोक लगाने का निर्णय लिया है, और हम लोग जितने भी सदन के सदस्य हैं और सदन के कर्मचारी हैं उनका एहतियातन के तौर पर हम लोग जो बेहतर प्रिकॉशन लेना होगा वो प्रिकॉशन लेकर के अभी हम लोग काम करेंगे, और देखेंगे कि अगर यदि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर भी हम लोग निर्णय ले सकते हैं। कोई बहुत सामाजिक प्रश्न है सर, बहुत से लोगों के घर में शादी ब्याह का भी डेट भी काफी दिनों पहले से किया जाता है, समारोह को कई जगह पे सर हॉल को बुक किया जाता है, जैसा कि सरकार का आदेश है कि उसको भी बंद किया जाएगा, तो इसका आपको उपाय है सर? देखिए, इस विषय पर तो मैं यही कह सकता हूँ, और जो मैंने सुना भी है कि बहुत सारे लोगों ने तो अपनी शादियाँ भी कैंसिल कर दी है, लोगों ने अपने से इस पर अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अब लोगों को ये खुद से भी ये इस समस्या का इलाज हम लोगों के पास ही है, खुद के हाथ में है, यही हम आपसे आह्वान करते हैं। नहीं, ऐसा अभी कोई निर्णय सरकार के स्तर पर नहीं लिया गया है। 14 अप्रैल तक का धार्य है, अब उसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कि इसकी रफ्तार क्या है, उसके बाद हम लोग हो सकता है कि ये आगे भी बढ़े। जो भी इसमें जहाँ अधिक से अधिक लोग काम कर रहे हैं, अगर इस ऐसा नहीं है कि अभी कल ही से ये चीजें बंद होंगी, ये है वेव है जो चल पड़ा है, अब वो हमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से देशों से होते हुए हमारे देश में आया, फिर हमारे देश से राज्य में आए, राज्य की ओर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये परिस्थिति ऊपर वाले ने हमें अगर साथ दिया तो ये हमारे राज्य में और आगे ना बढ़े, तो इसके लिए ये सारी भी चीज़ें हम लोग निर्णय लेकर के तैयार हैं कि ऐसी स्थिति पर हम लोग इस फॉर्मेट में भी आगे काम करेंगे।